दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारी प्रोज एंड कॉन्स आफ्टर यूजिंग वीवो Z1 Pro फॉर 15 डेज। 15 दिन से मैं इस फोन को यूज कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स मैंने देखी है इस फोन में फ्रॉम अ यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर इस फोन को आप खरीदना चाहते हो तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो के आखिर में मैं अपनी ओपिनियन आपको जरूर बताऊंगी कि क्या लेना चाहिए आपको ये फोन अंडर द प्राइस सेगमेंट ऑफ 15,000। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे एंड वीडियो पे बनने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। रिव्यू पे बनने से पहले क्विकली देख लेते हैं इस फोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस। इस फोन में आपको मिलता है क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट और ये फर्स्ट फोन है इस चिपसेट के साथ। इसकी चिपसेट बेस्ड है 10 नैनोमीटर प्रोसेस पे और जीपीयू इस फोन में आपको मिलता है एड्रीनो 616। इस फोन की डिस्प्ले है 6.53 इंचेस की 1080x2340 पिक्सल्स और इसकी एस्पेक्ट रेशियो है 19.5:9। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है एंड्रॉइड 9 पाई के साथ और इस फोन में आपको मिलता है फन टच ओएस। इस फोन में है 3 वेरियंट्स, एक है 4GB रैम के साथ 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज जो प्राइस है 14,990 यानी कि 15,000 और दो वेरियंट्स आपको मिलता है, एक में है 64GB की इंटरनल स्टोरेज विद 6GB ऑफ रैम जिसकी प्राइस है 16,990 और एक और 6GB रैम वेरियंट है जिसमें आपको मिलता है 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज प्राइस है 17,990। तो 15 डेज की रिव्यू स्टार्ट करते हैं इस फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। इस फोन में आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट बैक। फर्स्टली यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इसकी बैक है फिंगरप्रिंट मैग्नेट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट रिटेन होता है और यहाँ पर अगर स्क्रैचेस की बात की जाए 15 दिन की यूसेज के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस नहीं है, बहुत ही फाइन लाइंस है जो कैमरा से फुटेज में आपको दिखाई नहीं देगा। ओवर द टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आने की चांसेस है क्योंकि इसकी बैक साइड है मेड आउट ऑफ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल। तो इसके साथ जो केस आपको मिलता है यहाँ पर अगर आप उसे यूज करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर उतना ज्यादा स्क्रैचेस नहीं आएगा। 15 दिन की यूसेज में मैंने मोस्टली यूज की है इस फोन को विद केस एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन की बहुत ज्यादा स्क्रैचेस नहीं है, बहुत ही फाइन लाइंस है। तो कौन यहाँ पर यह है कि फोन में प्रीमियमनेस नहीं है, इन हैंड आपको प्रीमियम फील नहीं होगा। वैसे ग्रिप आपको बहुत ही अच्छा मिलता है फोन में, पर अगर डिजाइन की बात की जाए डिजाइन अट्रैक्टिव है, यहाँ पर है ग्लॉसी बैक और एक ग्रेडियंट फिनिशिंग भी है। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फोन में 6.53 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले और इसकी जो कलर्स है, जो कलर प्रोडक्शन है डिस्प्ले में वो बहुत ही वाइब्रेंट एंड पंची है। वीडियोस अगर आप देखते हो, फोटोज अगर आप लेते हो तो काफी एक्यूरेट कलर्स आपको दिखेगा और इसके साथ साथ किसी भी एंगल से वीडियोस आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाओगे फोन की डिस्प्ले पे। ओवरऑल अच्छा व्यूइंग एंगल्स है फोन में। 15 दिन के यूसेज के बाद इसके डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस नहीं है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है एक प्री इंस्टॉल स्क्रीन गार्ड के साथ। तो फोन खरीदने के तुरंत बाद ही आपको टेम्पर्ड ग्लास खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रैचेस इसके डिस्प्ले में डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज, बेसिकली फॉर एक्सीडेंटल फॉल्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस पे एक टेम्पर्ड ग्लास आप जरूर लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। जो ग्लास प्रोटेक्शन है इस फोन में वो है शॉट सेंसेशन 3D। आप डिस्प्ले में इंडोर्स आपको जैसे मैंने मेंशन की बहुत ही ब्राइट एंड पंची कलर्स आपको मिलेगा, वाइब्रेंट डिस्प्ले है, लेकिन आउटडोर्स भी आपको काइंड ऑफ डिसेंट ब्राइटनेस मिलेगा। आप बहुत इजीली कुछ भी पढ़ पाओगे इसके डिस्प्ले में से, जैसे कि मैसेजेस या फिर कोई भी पोस्ट। तो आउटडोर विजिबिलिटी इस फोन में डिसेंट है और उसके साथ साथ यहाँ पर इसके डिस्प्ले में आपको मिलता है पंच होल कैमरा। तो काफी हद तक फुल व्यू डिस्प्ले है, बहुत ज्यादा बेजल्स नहीं है फोन में। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज फोन एवरेज है क्योंकि यहाँ पर है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल, लेकिन डिस्प्ले बहुत ही बड़ी आपको मिल जाएगा इन वीवो Z1 Pro। इस फोन में है फन टच ओएस जो कि काइंड ऑफ इंस्पायर्ड है फ्रॉम iOS। तो अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉइड यूजर हो तो कुछ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर करना होगा, कुछ देर आपको लग जाएगा इसकी ओएस से यूज टू होने में, जैसे कि नीचे से स्क्रॉल करने पे यहाँ पर आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर, सारी टॉगल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस है इसकी ओएस में। इसकी ओएस जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन की काइंड ऑफ इंस्पायर्ड है फ्रॉम iOS, पर 15 दिन की यूजेज में मुझे कोई भी लैग फेस नहीं हुई है इसकी यूजर इंटरफेस में, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और ऐप स्विचिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट आप ऐप स्विचिंग कर पाओगे, या फिर अगर बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रनिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा रीलोडिंग इश्यूज नहीं है। मैं यूज कर रही थी इसकी 4GB रैम वेरियंट, पर उसके बाद भी आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड इसकी रैम मैनेजमेंट से। कुछ फीचर्स आपको एडिशनल मिलता है इस फोन में, जैसे कि गेम क्यूब, उसे यूज करके फोन में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसे आप और भी एनहांस कर पाओगे। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉगल्स एंड फीचर्स आपको मिल जाएगा और रिसेंटली मैंने किया एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी, उसे अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर कार्ड में। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी कॉल क्वालिटी या फिर कॉल रिसेप्शन पे, एंड काफी डिसेंट कॉल रिसेप्शन आपको मिलेगा इस फोन में। नेटवर्क सिग्नल्स काफी स्ट्रांग है और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने यूज की है एयरटेल एंड जियो की सिम कार्ड एंड काफी डिसेंट सिग्नल स्ट्रेंथ मुझे मिली है इन वीवो Z1 Pro। कॉल ड्रॉप्स इश्यूज यहाँ पर नहीं है और जो कॉल क्वालिटी है फ्रॉम ईयरपीस वो भी काफी लाउड है,
यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है वाइल कॉलिंग। एडिशनली इस फोन में 12 वोल्ट 4G की सपोर्ट, यानी कि एक ही टाइम पे आप दो 4G सिम इस फोन में यूज कर पाओगे। अब अगर बात की जाए साउंड क्वालिटी की, इस फोन में आपको मिलता है सिंगल बॉटम स्पीकर और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है, जो साउंड क्वालिटी है, वो एबव एवरेज है। वायरलेस अगर 80% पे इसकी साउंड को आप सेट करते हो, आपको एबव एवरेज साउंड मिल जाएगा। वाइल गेमिंग या फिर अगर आप वीडियोस देखते हो, फिल्म्स देखते हो, आपको बहुत ही अच्छा ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा वीवो Z1 Pro की बॉटम स्पीकर से इन इंडोर सिचुएशन। एडिशनली यहाँ पर है 3.5mm की ऑडियो जैक, जो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गेम्स लाइक PUBG हमें से बहुत सारे लोग यूज करते हैं हेडफोन्स, एंड डेफिनेटली इस बात से आई एम रियली हैप्पी कि Vivo Z1 Pro में हमें मिल जाता है एक हेडफोन जैक। अब काफी सारी फोन्स जैसे कि Realme X या फिर Redmi K20 में आपको नहीं मिलता है SD कार्ड स्लॉट, पर Vivo Z1 Pro में यहाँ पर आपको मिलता है एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। तो इसलिए जो चीपर वेरियंट है उसके लिए भी आप जा सकते हो, जो है 64GB की वेरियंट। यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको चूज करना होगा इसकी हायर वेरियंट को फॉर बेटर स्टोरेज। डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। दो सिम कार्ड के साथ साथ यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एक SD कार्ड भी। इन सारी चीजों के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है जो बहुत ही इम्प्रेसिव मुझे लगी इन Vivo Z1 Pro, वो हेडफोन्स। इन द बॉक्स आपको मिलता है हेडफोन्स। आज के डेट पे मैक्सिमम फोन्स के साथ आपको कोई हेडफोन्स नहीं मिलता है, जो आपको मिल जाएगा इन Vivo Z1 Pro। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव चीज है। फोन खरीदने के बाद अगर आपके पास हेडफोन्स नहीं है तो इमीडिएटली आपको हेडफोन्स नहीं लेना होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक प्री इंस्टॉल स्क्रीन गार्ड भी है। तो इसे ऐसे ही आप कुछ दिन तक यूज कर सकते हो बिफोर आप इसमें अप्लाई करते हो टेम्पर ग्लास। सिक्योरिटी फीचर्स में इस फोन में फेस अनलॉकिंग एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है फोन की रियर पैनल में, जिसकी रिस्पॉन्सिवनेस मैं कहूंगी कि काफी फास्ट है। सिंपल टच से आप देख सकते हो बहुत ही क्विकली अनलॉक हो रहा है फोन, और यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेट भी है इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर। मैक्सिमम टाइम ही ये काफी रिस्पॉन्सिव है। फेस अनलॉकिंग भी काफी सिक्योर है इस फोन में। अगर आईज क्लोज करके इस फोन को आप अनलॉक करना चाहते हो तो फोन अनलॉक नहीं होता है, और फेस अनलॉकिंग की रिस्पॉन्सिवनेस भी काफी डिसेंट है। इन सारी चीजों के साथ साथ इस फोन में वाइड वन L1 की सपोर्ट, यानी कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime में आप HD वीडियो कंटेंट स्ट्रीम कर पाओगे। अब चलते हैं इसकी बैटरी सेगमेंट पे, और इस फोन में आपको मिलता है 5000mAh की बैटरी, और इनसाइड द बॉक्स आपको मिल जाएगा एक 18W की फास्ट चार्जर भी। अब बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है इस फोन में। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, जैसे कि लिटिल बिट ऑफ व्हाट्सएप और कुछ वीडियोस आप देखते हो, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली फोन को यूज नहीं करते हो, तो इजिली 2 to 2.5 days की बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा इन Vivo Z1 Pro विद सिंगल चार्ज। और अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो, लाइक लिटिल बिट ऑफ व्हाट्सएप, उसके साथ साथ और भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, जैसे कि फेसबुक एंड यूट्यूब, इसके साथ साथ बीच बीच में आप काफी ज्यादा कॉल्स लेते हो, गेमिंग करते हो फॉर फ्यू आवर्स, उसके बाद भी आपको इस फोन में काइंड ऑफ 1.5 days की बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड इवन विद एक्सटेंसिव यूजिंग आपको काइंड ऑफ 1 day की बैटरी बैकअप मिलेगा इन Vivo Z1 Pro। और ये चीज होता है विद एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ गेमिंग, या फिर अगर आप बहुत देर तक कैमरा को यूज करते हो फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पस, इस तरह की यूजेज में ही आपको काइंड ऑफ अ डे या फिर 1.5 days की बैटरी बैकअप मिलेगा इन Vivo Z1 Pro। तो ओवरऑल अगर देखा जाए बैटरी सेगमेंट बहुत ही अमेजिंग है इस फोन में। जो 18W की फास्ट चार्जर हमें मिलता है इनसाइड द बॉक्स, उसे यूज करके इस फोन की फुल चार्जिंग टाइम, यानी कि 0 to 100% है काइंड ऑफ 2 hours to 2 hours 30 minutes। और क्योंकि इसकी चिपसेट बेस्ड है 10 nanometer प्रोसेस पे, जो कि बहुत ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, इवन विद एक्सटेंसिव यूजेज एंड एक्सटेंसिव गेमिंग आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है Vivo Z1 Pro में। अब परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इसकी यूजर इंटरफेस पे कोई भी लैग नहीं है, डे टू डे यूजेज में आपको कोई भी इश्यूज नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन की, यहाँ पर आप ऐप स्विचिंग भी बहुत इजीली कर पाओगे, और इसके साथ साथ जो रैम मैनेजमेंट है इस फोन में वो भी काफी डिसेंट है, बहुत ज्यादा रीलोडिंग इश्यूज नहीं है। तो डे टू डे यूजेज के लिए बहुत ही अच्छा फोन है Vivo Z1 Pro। और अगर बात की जाए गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेम्स लाइक PUBG या फिर Asphalt 9 आप बहुत इजीली खेल पाओगे इस फोन में। PUBG बहुत ही स्मूथली रन हो जाता है HD ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट विदाउट एनी लैग एंड स्टटर। और सबसे अच्छी चीज जो इस फोन में मुझे अब तक लगी है इस 15 दिन की यूजेज में, वो है इवन विद एक्सटेंसिव गेमिंग, यहाँ पर बिल्कुल भी मैसिव हीटिंग इश्यूज नहीं है। अगर आप एक मॉडरेट गेमर हो, जैसे कि 40 टू 50 मिनट्स की गेमिंग आप करते हो फोन में, उसमें बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज नहीं होगा। एंड नॉट ओनली नॉर्मल यूजेज बट विद एक्सटेंसिव गेमिंग भी, अगर आप बहुत देर तक गेमिंग करते हो इस फोन में, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी मैसिव हीटिंग इश्यूज नहीं है। तो ये चीज काफी इंप्रेसिव है इन Vivo Z1 Pro। अब आते हैं इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस पे। इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें से प्राइमरी सेंसर है 16 megapixel की विद एपर्चर f1.8। यहाँ पर आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी, जो है 8 megapixel की विद एपर्चर f2.2, और फाइनली एक 2 megapixel की डेप्थ सेंसर विद एपर्चर f2.4। इस फोन में फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 32 megapixel की, और इसमें एपर्चर f2.0।
अब कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन में काफी डिसेंट है। यहाँ पर इन डेलाइट पिक्चर्स को अगर आप देखते हो काफी डिटेल्स आपको दिख जाएगा, काफी रिच एंड शार्प होता है इमेजेस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कलर। इस फोन से अगर आप कोई भी फोटो लेते हो कलर्स आपको काफी ट्रू टू रियलिटी मिलेगा। इसीलिए मैंने कैमरा कंपैरिजन की है विद रियलमी X2 और उस कंपैरिजन में मैक्सिमम कलर्स ट्रू टू रियलिटी था इन वीवो Z1 प्रो। तो अगर आप ट्रू टू रियलिटी कलर्स प्रेफर करते हो ये फोन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नॉर्मल फोटोज में आपको डिटेल्स एंड शार्पनेस मिल जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर कलर्स भी काफी एक्यूरेट है। फोटोशॉट में स्लाइट इश्यूज है विद एज डिटेक्शन, कभी कभार कुछ एजेस आपको स्मजी दिख जाएगा इन पोर्ट्रेट शॉट। और ये सेम चीज है विद पोर्ट्रेट सेल्फीज भी, कुछ एजेस स्मजी होगा लेकिन डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिल जाएगा। रियर कैमरा पोर्ट्रेट शॉट में आप जो बैकग्राउंड ब्लर है उसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो अगर आप बहुत ही एग्रेसिव बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहते हो तो उसे डिक्रीज करके भी आप फोटोज ले पाओगे। इन केस ऑफ मैक्रो शॉट बहुत ही अच्छा डेप्थ सेंसिंग होता है, मेन सब्जेक्ट में फोकसिंग होने के साथ साथ फर्दर सब्जेक्ट में आपको दिख जाएगा प्रॉपर बैकग्राउंड ब्लर। और इस फोन में आपको मिलता है वाइड एंगल लेंस जिससे आप ले पाओगे वाइड एंगल फोटोज और टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा इन वाइड एंगल फोटोज। वाइड एंगल लेंस को यूज करके आप वीडियोज भी ले सकते हो। एडिशनली यहाँ पर आप 4K वीडियोज भी शूट कर पाओगे लेकिन उसमें EIS की सपोर्ट नहीं है। नॉर्मल वीडियोस में आपको मिल जाता है EIS की सपोर्ट, तो वीडियोस काफी स्टेबलाइज्ड है और कलर्स भी काफी ट्रू टू रियलिटी है इन वीडियोस। नॉर्मल एंड वाइड एंगल फोटोज में मेन डिफरेंस है विद शार्पनेस। नॉर्मल फोटोज में आपको शार्पनेस मिल जाएगा लेकिन उस सेम फोटो को अगर आप लेते हो विद वाइड एंगल लेंस तो तब थोड़ी सी स्ट्रगल होता है विद शार्पनेस। सेल्फीज में भी बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है विद डिटेलिंग ऑन स्किन, काफी नेचुरल स्किन टोन होता है सेल्फीज में और नॉर्मल सेल्फीज में बैकग्राउंड में भी आपको काफी अच्छा डिटेलिंग मिल जाएगा। और इस फोन की सबसे इम्प्रेसिव चीज है इसकी ऑटो फोकसिंग स्पीड, बहुत ही फास्ट फोकसिंग होता है यहाँ पर। तो इस फोन में आपको मिलता है डेडिकेटेड नाइट मोड, पर उसके बाद भी आई एम नॉट दैट मच इम्प्रेस्ड। जो लो लाइट फोटोज है उसमें स्लाइट स्ट्रगल होता है विद शार्पनेस। और यह कैमरा से नाइट में वीडियोस भी बहुत ज्यादा वेल एक्सपोज नहीं है, ऑटो फोकस में थोड़ी सी स्ट्रगल होता है इन लो लाइट। एंड फ्रंट कैमरा से लो लाइट फोटोज उतना ज्यादा वेल लिट नहीं है, पर अगर आप स्क्रीन फ्लैश को ऑन करते हो तो डिसेंट सेल्फीज आप ले पाओगे। नॉट ओनली इन फोटोज पर वीडियोज में भी काफी एवरेज परफॉर्मेंस है एट नाइट। फाइनली अगर बात की जाए कुछ कॉन्स की तो इस फोन में भी आपको कुछ कॉन्स दिख जाएगा हर एक फोन की तरह। जैसे कि यहाँ पर नहीं है टाइप सी पोर्ट, यहाँ पर आपको मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, लेकिन यहाँ पर एक रिलीफ है कि ये सपोर्टेड है विद फास्ट चार्जिंग, तो इसके मैसेज 5000 mAh बैटरी को चार्ज करने में आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। सेकेंडली इन वीवो Z1 प्रो आपको नहीं मिलता है कोई नोटिफिकेशन LED लाइट। बिल्ड क्वालिटी में इस फोन में आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल जो कि स्क्रैच प्रोन है, तो लॉन्ग टर्म यूजेज यहाँ पर स्क्रैचेस आने की चांसेस है अगर मैक्सिमम टाइम इस फोन का आप यूज नहीं करते हो केस के साथ। ओवरऑल इस फोन में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन की गई है वो एवरेज है, थोड़ी सी हैवी एंड बल्की है फोन। और हमेशा अगर आप केस लगाते हो फोन में तो थोड़ी सी और बल्की हो जाता है फोन, पर क्योंकि इसकी बैक में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल स्क्रैचेस यहाँ पर बहुत इजीली आ जाएगा, तो मैक्सिमम टाइम इस फोन में आपको यूज करना होगा केस जिससे थोड़ी सी और बल्की हो जाता है फोन। नेक्स्ट है इसकी OS, यहाँ पर है फन टच OS। तो अगर आप एक iOS यूजर नहीं हो तो थोड़ी सी टाइम आपको लग जाएगा इसकी यूजर इंटरफेस से कस्टम होने में। और लास्ट फोन है यहाँ पर इसकी नाइट परफॉर्मेंस। डेडिकेटेड नाइट मोड होने के बाद भी जो नाइट फोटोज है वो बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है। नाइट फोटोज में जूम करने के बाद थोड़ी सी आपको स्मजी डिटेल्स दिखेगा, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत नॉइज भी आपको दिख जाएगा। एंड नॉट ओनली इन रियर कैमरा बट फ्रंट कैमरा से भी इन लो लाइट सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रंट फ्लैश को यानी कि जो स्क्रीन फ्लैश है उसे ऑन नहीं करते हो तो जो सेल्फीज आता है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, काफी ज्यादा शेडोज होता है फोटो में और उसके साथ साथ काफी नॉइज भी आपको दिख जाएगा। तो ओवरऑल अगर सारी प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए, प्रोज काफी ज्यादा है इस फोन में। इस फोन में आपको बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस मिलेगा नॉट ओनली इन डे टू डे यूजेज बट इवन विद गेमिंग, और एक्सटेंसिव गेमिंग करने के बाद भी यहाँ पर कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है 5000 mAh ऑफ बैटरी जिसकी बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है कम्पेयर टू अदर 5000 mAh फोन्स। इसकी चिपसेट बेस्ड है 10 nanometer प्रोसेस पे जो कि बहुत ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है और इसलिए आपको बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिलता है वीवो Z1 प्रो में। एक्चुअली यहाँ पर आपको एक मॉडर्न डिजाइन मिल रहा है इसके डिस्प्ले में, यहाँ पर आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले। कॉन्स को अगर कंसिडर की जाए तो कॉन्स बहुत मिनिमल है, बहुत मैसिव कुछ कॉन्स नहीं है इस फोन में। और जो सब कुछ हमें मिलता है वीवो Z1 प्रो जैसे कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी है, तो यहाँ पर अगर आपके लिए स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी हायर वेरिएंट के लिए आपको नहीं जाना होगा, आप बेस वेरिएंट भी परचेज कर सकते हो। तो ये सब कुछ देखने के बाद डेफिनेटली वीवो Z1 प्रो टोटली एक वैल्यू फॉर मनी फोन है। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए, क्या लगता है आपको अबाउट वीवो Z1 प्रो। एंड यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।